एक बात ही बताना मुझे, अगर आपकी बेटी या फिर बहू या फिर पत्नी को पड़ोस का लड़का अगर आंख उठा के देख भी ले तो आपकी फट जाती है, आप डंडे निकाल के उसे मारने चले जाते हो। बट अगर कोई थर्ड पर्सन कंटिन्यूअसली आपकी बहू बेटी को आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली देख रहा है, आपका सारी की सारी एक्टिविटी को वो अपने पास सेव करके रख रहा है, तो इसमें आपका कोई आपत्ति नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं जाए। #boycottChina, #boycottChineseProducts, #boycottMadeInChina, ये सब लिख देने से क्या सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा? क्या हमारे जो इतने सारे सैनिक मारे गए, इतने सारे सैनिक, हमारे जो 20 सैनिक थे जो मारे गए, क्या वो हमारे जवान फिर से लौट के आएंगे? नहीं। हाँ, कुछ न्यूज़ देख लिया, कुछ वीडियो देख लिया, उसके बाद इतना एक्साइटेड हो जाते हो कि फटाफट से कोई भी चाइनीज ऐप आपके मोबाइल में है तो उसे अनइंस्टॉल कर देते हो, थोड़ी देर बाद या फिर कुछ दिनों के बाद फिर से इंस्टॉल करते हो, आपका जी नहीं भरता, आपका मन शांति नहीं होता। सच में यार, इंडिया के लोग चाइना के साथ, चाइना के प्रोडक्ट के साथ इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि छोड़ ही नहीं पा रहे। आज अभी बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि जो ट्रेंड पे चल रहा है ना, #boycottChina। हाँ, मैंने भी कहा था कि पिछले वीडियो में #boycottChina को फॉलो करो, उसे चारों तरफ फैला दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि बस लिख दो और कुछ ना करो। कितने दिनों से देख रहा हूँ, अगर आप लोग इंडिया के साथ हो, इंडिया के सपोर्ट में हो, तो टिकटॉक का जो रेटिंग्स है वो कैसे बढ़ रहा है, टिकटॉक का जो डाउनलोड का फ्रीक्वेंसी वो कैसे बढ़ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गूगल ने मदद किया, गूगल ने उसका रेटिंग्स बढ़ा दिया, बट दोस्तों सच बोलूं तो ये सब बकवास है। डाउनलोड्स हो रहे हैं, रेटिंग्स भी बढ़ाया जा रहा है, इसलिए रेटिंग्स बढ़ रहे हैं। शर्म करो यार, इंडिया के 20 जवान हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो गए। फिर भी आज एक बॉलीवुड एक्टर का मौत ट्रेंड पे जा रहा है, उसने सुइसाइड क्यों कर दिया, आखिर उसका क्या डिप्रेशन था, वो सभी न्यूज़ पे ट्रेंड पे जा रहे हैं, बट दोस्तों हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हमारी सुरक्षा के लिए, उनकी बातें कोई नहीं कर रहा। सोचो यार, इंडिया के इतने सैनिकों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, 20 सैनिक मारे गए और साथ में 58 सैनिक अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यार इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, इंडिया के लोगों के पास इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो से ही आपको बताया है कि सबसे पहले अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बंद करो, जो एप्लीकेशन आते हैं, जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जो मोबाइल्स आते हैं, जो कुछ भी आते हैं वो सबको बंद करो। फिर भी अभी तो वो सब ट्रेंड पे जा रहे हैं, उसका न्यूज़ वायरल हो रहा है, न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि चाइना छोड़ो, बॉयकॉट चाइना, #boycott क्या क्या दिखा रहे हैं, फिर भी नीचे दिखा रहे हैं कि पावर्ड बाय ओप्पो, पावर्ड बाय वीवो, मतलब कि वो जो न्यूज़ दिखा रहे हैं उन्हें स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है चाइना। ये किस तरह का लॉजिक है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बॉर्डर पे जाके चाइना के साथ लड़ नहीं सकते, बट दोस्तों हम घर पे रह के यहाँ से ही चाइना को कुछ हद तक कमजोर कर सकते हैं। सब लोग, इतने सारे न्यूज चैनल, इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं, सब क्यों बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बंद करो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट को कम करो, यूजर्स कम करो, क्यों बोल रहे हैं? आप ध्यान भी दे रहे हो, आप सोच भी रहे हो कि आखिर क्यों सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट को क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, इतना बोल क्यों रहे हैं? अब चाइना हमारे घर के अंदर घुस नहीं सकता, हमारे देश के अंदर घुस नहीं सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे जो सेना के जवान हैं वो सब बॉर्डर में पहले से तैनात हैं, सीमा में पहले से तैनात हैं, और वो रोकेंगे। बट जो तुम चाइनीज एप्लीकेशन, चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज मोबाइल जो यूज़ करते हो ना, वो उसमें से इतना डाटा जाता है, हमारा पर्सनल डाटा इस तरह से शेयर होता है, इस हद तक शेयर होता है कि हमारा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, हमारा सारा का सारा पर्सनल डाटा, हमारे का सारे सारे कुकीज़, हमारे सारे सारे इंटरेस्ट उनके पास कंटिन्यूसली अपडेट होते रहे, कंटिन्यूसली हमारे डाटा उनके सर्वर में अपलोड होता रहता है। हम कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब पीते हैं, यहाँ तक कि कब हम टॉयलेट जाते हैं, ये सारी की सारी जानकारी वो अभी 1000 किलोमीटर दूर बैठ के हमें जज कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डाटा है ना वो कंटिन्यूसली उनके पास जा रहा है और उन्हें हम अलाउ करके डाटा सेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अपना डाटा को खुद ही सेंड कर रहे हैं। अभी जो आप टिकटॉक पे वीडियो डालते हो वो जाता है टिकटॉक के सर्वर के ऊपर, अपलोड होता है, वहाँ पे सेव होके रहता है, और उसके बाद उस वीडियो के ऊपर कितना लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितना लोगों का इंटरेस्ट है, किस चीज़ों पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं ना, हमारे इंटरेस्ट को देख के डुप्लीकेट छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं और हमें
सेल करते हैं, और वो प्रोडक्ट इतना सस्ता होता है, इतना वैल्यू फॉर मनी होता है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, जैसे भी प्रोडक्ट हो, वो इतना बारीकी से उस डुप्लीकेट चीज़ को बनाते हैं और हमें वैल्यू पर मनी बोल के सेल करते हैं और हम लालची होके उसे खरीदते हैं। अब आप सोचो दोस्तों, आखिर क्यों हमारे जो डाटा है उनके सर्वर में कंटिन्यूसली क्यों जाते रहते हैं, क्यों अपलोड होते रहते हैं, क्यों हमारे डाटा इस हद तक वो लेके जा रहा है? आपको मेरी बातों का यकीन तो नहीं हो रहा होगा, पर दोस्तों ज़रा याद करो, जब आप यूसी ब्राउज़र को ऑन करते हो, जब आप नेट को ऑन करते हो, तभी यूसी ब्राउज़र में जो रंग बिरंगे नंगे पुंगे जो एड्स आते रहते हैं, कभी अच्छे से ध्यान देना, वो हमारे बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। हमने कभी ना कभी भी उस चीज़ को इंटरनेट पे सर्च किया था, इसकी वजह से हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जान के उसके हिसाब से वो हमें ऐड दिखाता है, हमें लालची करता है। और दोस्तों आज की डेट में एड्स में ही सारे पैसे हैं, एड्स की वजह से ही मोबाइल कंपनियां बहुत सारे पैसे कमाती हैं, और उसके साथ साथ उस एड की वजह से ही वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों आपका डाटा का मिसयूज़ ही हो रहा है, वो हमारे डाटा का मिसयूज़ ही कर रहे हैं। एक बात बता, हाँ ठीक है, एक बात ही बताना मुझे, अगर आपकी बेटी या फिर बहू या फिर पत्नी को पड़ोस का लड़का अगर आंख उठा के देख भी ले तो आपकी फट जाती है, आप डंडे निकाल के उसे मारने चले जाते हो। बट अगर कोई थर्ड पर्सन कंटिन्यूसली आपके बहू बेटी को, आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, आपका सारी की सारी एक्टिविटी को वो अपने पास सेव करके रख रहा है, तो इसमें आपका कोई आपत्ति नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर दूर बैठ के हमें देख रहा है, वो क्या कर लेगा, वो तो हमारे देश का ही नहीं है, वो तो विदेश में 1000 किलोमीटर दूर बैठ के देख रहा है, वो क्या उखाड़ लेगा। बट दोस्तों पर्सनल डाटा के ऊपर जब सवाल आता है ना, इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अभी अभी आपने जूम एप्लीकेशन के बारे में तो जरूर से सुना होगा, किस तरह से उस एप्लीकेशन ने हमारे पर्सनल डाटा को यूज किया और हमारे पर्सनल डाटा को वो किस तरह से डार्क वेब में सेल कर रहा था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कौड़ी के भाव पे हमारे डाटा को, हमारे पर्सनल डाटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहा था तो हम क्या बोलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेल कर रहा था। यार अगर हम चाहें ना तो चाइना को चाइना की स्टाइल पे ही जवाब दे सकते हैं, उससे अंदर से खोखला कर सकते हैं। अगर वॉर होता है तो ना हमारे पास इतने सारे एडवांस वेपन्स हैं, ना हमारे पास इतने सारे सैनिक हैं, और ना ही हमारे पास इतना सारा पैसा है जो कि उनके पास है। दोस्तों आज जैसा चल रहा है ऐसा पहले नहीं था, कुछ साल पहले ऐसा था कि चाइना हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा करीब था, पर दोस्तों आज की डेट ऐसा आ गया है कि हमारा GDP 3 है तो उनका GDP 14 से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। सोचो अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा देश इतना गरीब हो गया और उनका देश इतना अमीर हो गया। वो मैन्युफैक्चर करता है और हमें सेल करता है, हम सस्ते को देखकर, सस्ता प्रोडक्ट को देखकर हम लालची होकर उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। दोस्तों यकीन करो, आप मेरी बात को बस एक महीने के लिए या फिर 1.5 महीने के लिए मानते हो, अगर आप उनका प्रोडक्ट जो खरीदते हो वो सब बंद कर देते हो तो आपको बस 1 महीने में ही उसका रिजल्ट दिख जाएगा। उस देश के अंदर हड़कंप मच जाएगी, उस देश का GDP पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, जो सामान वो बनाता है उसका ज्यादा का ज्यादा सामान हम खरीद लेते हैं, इसकी वजह से वो हमसे अमीर होता जा रहा है। और जो वो सामान बनाता है, जो हमें जरूरत होता है, जो हमारा पर्सनल नीड्स होता है, उसकी वजह से उसकी जो जानकारी होता है वो कहाँ से जाता है, वो कहाँ से जान पाता है कि हमें ये सब चीज़ों की जरूरत है, वो जानता है हमारे पर्सनल डाटा से। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा, चाइनीज मोबाइल जो होते हैं उन मोबाइल में अपने आप ही उनका ऐड आता है, वो भी पर्सनलाइज ऐड आते हैं। मतलब कि कोई एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं, कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है, वो मोबाइल अपने आप ही आपका पर्सनल डाटा को उनके सर्वर में सेंड करता रहता है और उसके मुताबिक आपको पर्सनलाइज ऐड आते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, कुछ पैसे दे के खरीद के उनके मोबाइल को यूज कर रहे हो तो आपको हम बाउंड नहीं कर रहे हैं कि उनके मोबाइल को फेंक दो, आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप उनके सॉफ्टवेयर, उनके एप्लीकेशंस को यूज़ मत करो। और जो अभी जो मोबाइल खरीदने वाले थे, अगर आप अभी चाइनीज मोबाइल खरीदने वाले थे तो आप उसे मत खरीदो। सबसे पहले तो आप ये जो ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, रेडमी है, वन प्लस है, IQ है, ये जो कंपनियाँ हैं, ये जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं, इन कंपनी के मोबाइल को खरीदना बंद कर दो, हो सके तो कम कर दो, क्योंकि आज की डेट में हमें इतने सारे कंपनियाँ मिल जाते हैं, इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें चाइनीज़ कंपनी छुप जाता है। और सबसे मेन बात, ये जो अलग से कंपनियाँ हैं वो सब कंपनियाँ हमें रीसेल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको पोको का X2 खरीदना था, अगर आपको नोट 8 प्रो जैसे मोबाइल को खरीदने थे, तो आप उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से
सैमसंग का आज का डेट में बहुत ही सस्ते मोबाइल आ रहे हैं, वो भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होते हैं और बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं। आप इसके बदले सैमसंग का M31 M30S भी खरीद सकते हो, जिसमें कि आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिलती है, जो कि इस चाइनीज़ मोबाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे मेन बात, इसका जो डिस्प्ले होता है वो सुपर एमुलेट होता है, और ये जो चाइनीज़ मोबाइल होता है उसमें IPS LCD डिस्प्ले होता है, जो कि किस हद तक भी उससे टक्कर नहीं दे सकता। उतने ही पैसे में, उससे कम पैसे में आपको ये वाले मोबाइल्स मिल जाते हैं, फिर भी आप उस मोबाइल को खरीदते हो। आप चाइनीज़ कंपनी के बदले बहुत सारे अलग अलग कंपनी के स्मार्टफोन खरीद सकते हो, जैसे कि सैमसंग हुआ, LG हुआ, नोकिया हुआ, माइक्रोमैक्स हुआ, लाभा हुआ, आईफोन हुआ, मोटोरोला, ऐसे बहुत सारे आपको अल्टरनेटिव मिल जाएंगी। अगर एप्लीकेशन की बात करें ना, तो बहुत सारे, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास, पर दोस्तों मैं आपको बहुत सारे लिस्ट के बारे में बोल के बोर नहीं करूँगा आपको, मैं बस कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपकी बहुत हद तक मदद कर देंगी। जो आप एडिक्टेड हो बहुत सारे एप्लीकेशन के, अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगा तो आपका काम नहीं चल पाएगा, तो उस सारे एप्लीकेशन के बदले आप इन सारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, जो आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे और किसी रिप्यूटेड कंट्री के मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की फाइल को, किसी भी तरह की मेमोरी को आपको किसी मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफ़र करना है, तो आप सेंड जेंडर या फिर सेरिट को यूज़ करते थे, पर दोस्तों इसके अलावा, इसके अल्टरनेटिव के हिसाब से मैं आपको दो एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जो एप्लीकेशन का नाम है, एक है गूगल का फाइल। गूगल फाइल जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे हम बस डिलीट करते रहते हैं, पर दोस्तों वहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिया गया है उसे अगर आप यूज़ करते हो, तो आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन से ढेर गुना ज़्यादा वो स्पीड होता है, बहुत तेज़ी के साथ वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है, और गूगल का स्पीड के साथ साथ गूगल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको उसे भी यूज़ करना नहीं है, तो जियो का स्विच एप्लीकेशन आता है, उसमें आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको ब्राउज़र चाहिए, अगर आपको अच्छा ब्राउज़र चाहिए, सिक्योर ब्राउज़र चाहिए, तो आप यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी जैसे वाहियात एप्लीकेशन को यूज़ ना करते आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हो, आप जियो ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिक्योरली मनी ट्रांसफ़र करना है, तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI, फ्री रिचार्ज, मूवी क्विक जैसे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिक्योर होते हैं और आप ये सब यूज़ भी करते हो। अगर आपको वीडियो कॉल करना है, तो आप स्काइप, जूम एप्लीकेशन जैसे वाहियात एप्लीकेशन को यूज़ ना करके आप बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव है जो कि आप यूज़ करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, गूगल डियो हुआ, हाइक हुआ, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि मिलन सेतु हुआ, ये सब एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको गाना ही सुनना है, तो आप जियो सावन, हंगामा, गाना, विंक म्यूजिक ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखना है, अगर आपको वीडियो प्लेयर भी चाहिए, तो आप हॉटस्टार यूज़ कर सकते हो, आप जियो सिनेमा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्लेयर चाहिए, तो आप MX प्लेयर यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही रेपूटेड हैं और हमारे देश के हैं। अगर आपको सिक्योरली चैटिंग करना है, तो आप WhatsApp यूज़ कर सकते हो, Telegram यूज़ कर सकते हो, Hike यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे देश से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जियो मैसेंजर को भी मत भूलना। अगर आपको शॉपिंग करना ही है, तो आप अलीबाबा को भूल से भी यूज़ मत करना, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है। अगर आपको शॉपिंग करना ही है, तो आप अमेजोन यूज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हो, मिंत्रा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन है। शॉपिंग की तरह अगर आपको सामान बेचना है, तो आप OLX के बदले क्विकर एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे देश का है। अगर आपको TikTok जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना नहीं है, तो आपको बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप सोच रहे हो कि एक भी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आप रोपो जो यूज़ कर सकते हो, आप बोलो इंडिया एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, आप इंजॉय एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, फनी मेड्स, डॉब्स मेड, ड्रिजल जैसे एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर आपको न्यूज़ देखना है, तो आप UC News, न्यूज़ डॉग जैसे वाहियात एप्लीकेशन को यूज़ ना करके आप इंसॉर्ट्स, टाइम ऑफ इंडिया, डेली हंट, दैनिक भास्कर जैसे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, सारे के सारे अल्टरनेटिव एप्लीकेशन आपको इंटरनेट में सर्च करने से मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, तो सबसे पहले ध्यान देना वीवो का, ओप्पो का, लिनोवो का जो कुछ लैपटॉप्स आते हैं, उन लैपटॉप्स को आपको खरीदना नहीं है। MI का जो लैपटॉप आता है, उन लैपटॉप को आपको खरीदना नहीं है। जो चाइनीज़ लैपटॉप होते हैं, उन सब कंप्यूटर्स को आपको खरीदना नहीं है। उसके बदले आप कोई भी
लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप खरीद सकते हो जो कि रेपुटेड होते हैं। आप कुछ भी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव ढूंढोगे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वो भी इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे। बट दोस्तों क्या होता है ना, हम वो सब प्रोडक्ट को देखते भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ही पहले से डुप्लीकेट सस्ता माल पड़ा हुआ है। अगर आपको खाने पीने की छोटी मोटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी चाहिए तो आप पतंजलि यूज कर सकते हो जो कि हमारे देश का है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होते हैं। तो आज के लिए बातें इतना ही था, फिर कभी बातें करेंगे। आपको मैं दिल से दरख्वास्त करता हूँ, आप इंडिया को सपोर्ट कीजिए, इंडियन सोल्जर को सपोर्ट कीजिए और उसके साथ साथ इंडियन एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट कीजिए इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ करके। हम बस सस्ते के चक्कर में चाइना की तरफ घींचे चले जाते हैं, बट दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपना खुद का प्रोडक्ट अपने देश के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, बट दोस्तों उन्हें कोई सूंघता भी नहीं है। पर दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आगे आना पड़ेगा और उन्हें सपोर्ट कौन करेगा, उन्हें सपोर्ट हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।